Good afternoon, students. Let's continue with the polynomials chapter. Yesterday we discussed the questions in which we have to factorize the cubic polynomial, right? Now let us continue with some different questions. Now you have done remainder theorem also. How to find the remainder by using the remainder theorem. Like if you have been given this polynomial, see this polynomial, px is equal to 4x cube minus 3x square plus 4x minus 2. Now, question is find the remainder when this is divided by x minus 1 by remainder theorem. Now long division beta we did yesterday. Humne hit and trial method jab kiya to humne long division method ki practice ki. Theek hai? Now here question we have to find the remainder by remainder theorem. Agar particular likh diya na unhone that you have to find the remainder by remainder theorem. Then you have to use that theorem and what it is? जिस भी पॉलिनोमियल से बड़ा पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू विल बी राइटिंग एक्स माइनस वन से डिवाइड हो रहा है लेट अस से दिस इज जी एक्स विद विच इट इज डिवाइडिंग नाउ पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वन नाउ इट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x is equal to 1. Yes, Pranay? मैम आपने सैटरडे को एक और क्वेश्चन भी लिखवाया था कौन सा वाला बेटे बताना जरा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट बी प्लस सी होल स्क्वायर ओवर थ्री बी सी प्लस ए होल स्क्वायर ओवर थ्री ए सी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर अच्छा यू वॉन्ट मी टू डिस्कस दिस क्वेश्चन आई विल डिस्कस ठीक है ओके आई हैव गॉट आई विल डिस्कस सो लेट अस कंप्लीट दिस क्वेश्चन विच आई एम सेइंग तो आपने इसकी वैल्यू पुट कर फाइंड करनी है पी ऑफ वन पे जो गिवन है उसको पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड होता है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करके एक्स की जो वैल्यू आती है वो उसमें पुट करेंगे सो फोर वन क्यूब माइनस थ्री वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन माइनस टू फोर माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू एट माइनस फाइव द रिमाइंडर इज थ्री दिस इज हाउ वी फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम एंड इफ द क्वेश्चन इज रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं रिमाइंडर ओनली क्वेश्चन नहीं अगर हमें क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए हमें लॉन्ग डिविजन ही करनी पड़ेगी ठीक है बट इफ द क्वेश्चन इज रिटन फाइंड द रिमाइंडर Only it is written. Find the remainder. फिर बेटा आपको long division करने की जरूरत नहीं है. Again you will apply the remainder theorem only because finding the remainder by using remainder theorem is obviously easier. लेकिन अगर question में लिखा है find the remainder by division method, by long division method, या by on dividing this by this find the remainder. Then 100% you have to do long division. अगर division, long division या dividing word लिखा है, फिर remainder को remainder theorem से करोगे तो कोई number नहीं मिलेगा, long division ही करनी पड़ेगी, ठीक है? Okay. आपके पास क्वेश्चन था बेटे इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट बी प्लस सी होल स्क्वायर ओवर थ्री बी सी प्लस ए होल स्क्वायर ओवर थ्री ए सी प्लस a plus b whole square
over 3ab is equal to 1. ये हमने प्रूव करना है. हमने प्रूव करना है तो वी विल टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड. ओपन द ब्रैकेट. इन द न्यूमरेटर फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc ओवर 3bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac ओवर 3ac प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3ab. अब हमने ब्रैकेट खोल दी. अब क्या करेंगे? अब हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 कॉमन है. व्हाट वी विल डू, आई कैन सी, अगर मैं यहाँ a लिख दूं, a मतलब a, a से मल्टीप्लाई करूंगी डिनोमिनेटर में, तो a से ऊपर भी तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ b से, यहाँ c से, ऊपर तो करती हूँ अभी, तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. 3bca, 3acb, 3abc, इट इज सेम. मींस हियर आई नीड टू मल्टीप्लाई विद a. ऊपर क्या बनेगा, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस 2bca ओवर 3bca. सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह से यहां सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे, b से. c स्क्वायर b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ACB ओवर 3ACB. और यहां सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे, C से. ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 2ABC ओवर 3AB. I hope it is clear. ठीक है, अब LCM लोगे बेटा? नीचे डिनोमिनेटर में 3ABC है, हम उसको बाहर लिख सकते हैं. ठीक है, इधर देखिए, 1 over 3abc we can take out. LCM है, LCM पूरा ऐसे, मतलब if the denominator and LCM is same तो numerator की टर्म एबीसी आ जाती है. तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, 1 3 over acb. ये स्टेप मैंने कंबाइन कर दिया. आप देखो, अब देखो 2bca plus 2bca या acb प्लस 2abc, दीज आर द लाइक टर्म्स. रिफ्लेक्शन करती है ना, ये देखिए 2abc 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 हमारे पास था, वो लाइक टर्म्स थे. तो हमारे पास क्या बचेगा, बोर्ड पे देखिए बेटा, ab स्क्वायर नोट करते जाओ, फिर बाद में देख सकते हो अगर कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ. c स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 6ab प्लस 6abc. अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे टर्म्स को, क्योंकि हमें गिवन क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंबाइन द टर्म सच दैट, जैसे आप कंबाइन करोगे ab स्क्वायर को, इधर देखो ए बी स्क्वायर को करोगे इसके साथ, ए बी वाले टर्म के साथ. ए सी स्क्वायर को करोगे ए सी वाले टर्म के साथ. ठीक है, 1 over 3abc. तो मैं इकट्ठे लिख देती हूँ टर्म्स जिनको हमने कंपेयर करना है. ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, सी स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 6abc. ये मत सोचना कि ऐसे सब आएंगे, आ सकते हैं 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम आ सकते हैं. ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन है,
ए और बी, बचा क्या बी प्लस ए, यहाँ से क्या कॉमन है ए और सी, बचा क्या सी प्लस ए, यहाँ से सी भी कॉमन है, बचा क्या सी प्लस बी प्लस सिक्स ए बी। अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया उसमें हमने ये नहीं यूज किया इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या यूज है, इसका यूज है बेटा यहाँ पर हम b प्लस ए को लिख सकते हैं हम माइनस सी, यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी प्लस ए को c उधर जाके मैं लिख सकती हूँ माइनस सी, सो माइनस सी मल्टीप्लाई होगा ये बना माइनस ए बी सी। अब इसी तरह से c प्लस ए को भी मैं लिख सकती हूँ माइनस बी, ये बन गया माइनस ए सी बी, ये बन गया c प्लस बी को माइनस ए, माइनस ए सी बी प्लस सिक्स ए बी सी, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, वो क्या बना माइनस थ्री ए बी सी, सो वन ओवर थ्री ए बी सी माइनस थ्री ए बी सी प्लस सिक्स ए बी सी, वन ओवर थ्री ए बी सी इंटू थ्री ए बी सी, कटिंग हो गया वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, देख लो कैसे करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है तो वी वर डिस्कसिंग, आई होप इट इज क्लियर, यस। हां जी धीरेन, मैम आपने वो माइनस एबीसी माइनस एसीबी वाला स्टेप किया तो फिर से कर दूं, समझ नहीं आया बेटा, ये देखना आपके पास था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर मुझे बी प्लस ए की वैल्यू लिखनी है इधर देखो, बी प्लस ए की वैल्यू, सी को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो सी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस सी, यस ये बात समझ आई, तो मैंने क्या किया है इस ब्रैकेट की जगह पे इनटू माइनस सी कर दिया, सी प्लस ए की वैल्यू क्या है माइनस बी, यहाँ पर माइनस और इसकी वैल्यू माइनस, ठीक है तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बेटा, जैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है एंड इट इज रिटन दैट फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, इफ वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, तो इसमें आप y की वैल्यू निकालोगे इसको जीरो पुट करके, y विल बी इक्वल टू 1 बाय 2, y विल बी इक्वल टू 1 बाय 2, तो 1 by 2 वैल्यू फिल करोगे। कई बार आपके पास लॉन्ग डिवीजन आती है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय सपोज 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y, 1 प्लस 2y, कुछ भी हो सकता है, उस केस में अगर आपने लॉन्ग डिवीजन करनी है, लॉन्ग डिवीजन में जो डिवाइजर होता है, जो बाहर होता है डिवाइजर बेटा, उसको हमेशा जैसे मान लो जो भी पॉलिनोमियल है अगर आपने डिवाइड करना है तो वेरिएबल वाली टर्म पहले आएगी माइनस टू वाई प्लस वन, जिस टर्म के साथ नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव रहेगा, जिस टर्म के साथ पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव, अगर प्लस हो तो टू वाई प्लस वन, अगर माइनस वन प्लस टू वाई हो तो टू वाई माइनस वन, मीन्स वेरिएबल वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म से पहले लिखोगे फिर डिवाइड करोगे, अगर यहाँ पर 1 प्लस 2y लिख के शुरू करोगे क्वेश्चन को तो जीरो नंबर मिलेंगे क्योंकि वो डिवीजन को छोएगी नहीं, सही डिवीजन पे नहीं पहुंचोगे आप। ओके इसी तरह से कोई पॉलिनोमियल है तो किससे डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 3 बाय 4y से, जीरो के इक्वल इक्वेट करो, 3 बाय 4 वाई उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 4 ऊपर 3 नीचे, y की वैल्यू क्या आ गई 4 बाय 3,
तो अब जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4/3 इन ऑर्डर टू गेट द रिमाइंडर. दीज वर द जनरल पॉइंट्स व्हिच आई नीडेड टू डिस्कस. नेक्स्ट आता है जैसे फैक्टर थ्योरम, वेदर वन पॉलिनोमियल इज द मल्टीपल ऑफ द अनदर और नॉट. जैसे this is one of the polynomial and gx is x plus 1. कहते हैं check whether px is a multiple of gx. क्या जो px है बड़ा वाला polynomial वो छोटे वाले polynomial का multiple है? कोई भी polynomial किसी polynomial का multiple है तब होता है अगर उससे divide होकर remainder क्या आए, 0. Yes or no? जैसे मेरे पास अगर है 24, वी नो 2 इज द मल्टीपल, 24 इज द मल्टीपल ऑफ 2. 2 के टेबल में 24 आता है. क्यों आता है? क्योंकि जब मैंने 2 से 24 को डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 0. यस, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं? ऑन डिवाइडिंग इफ आई गेट द रिमाइंडर 0, अल्टीमेटली मुझे क्या देखना है कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं. तो डिवाइड करने की क्या जरूरत है? आई कैन अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम इन ऑर्डर टू चेक वेदर द रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0 और नॉट. सो x plus 1 इज इक्वल टू 0. आई विल चेक द वैल्यू ऑफ px एट p ऑफ -1. मैं p ऑफ -1 पे चेक करूंगी. अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है बड़ा वाला, अदरवाइज नहीं. चेक करो सारे. Tell me whether it is or not. Hurry up. Yes, Divya. It is. It is. Okay. 2√2 − 1³ −5√2 −1² plus 7√2 −1³ −1, so it is −2√2 −1² plus −5√2 plus 7√2. Like terms hai? −5 −2 −7 −7√2 plus 7√2, it is 0. So we can see the remainder is 0. सिंस द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर लिखना कैसे है, जैसा क्वेश्चन की फॉर्म में है, px इज अ मल्टीपल ऑफ gx. अगर फैक्टर फॉर्म में पूछा हो, ध्यान से सुनो, वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, फिर अगेन आप यू विल अप्लाई द सेम कि 0 आता है कि नहीं. 0 आ गया तो आप लिखोगे यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. बड़ा पॉलिनोमियल छोटे पॉलिनोमियल का क्या होता है, मल्टीपल, और छोटा पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर. तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे आपने उसका आंसर देना है. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये वाले क्वेश्चन ना बेटे बहुत इजी हैं, 2 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आते, जिसमें वैल्यू पुट करके 0 आता है नहीं आता ये देखना है. हार्डली 2 मार्क्स में एक आधा क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इजी. Write down, find the value of k if x plus k is the factor of x³ + kx² − 2x + k + 5. You have to find the value of k. Or given that this is the factor of this.
चलो ट्राई करो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ के. Divya is fast. What about others? Be quick. Since x plus k is the factor of this polynomial, beta, तो आप क्या करोगे? X छोटे वाले polynomial को पहले zero के equal equate करोगे. ठीक है? ये मान लो हमारे पास बड़ा polynomial है. Yes. Let me ask the answer from Divya. One minute, Divya. हाँ जी बेटा, बोलो. मैम माइनस 5/3. ओके धीरेन बोलो आंसर. मैम माइनस 5/3. ओके माइनस 5/3 एंड आंसर इज करेक्ट. कैसे करेंगे? k प्लस x प्लस k इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस k. Now since this is the factor, अगर कोई polynomial किसी polynomial का factor होता है, तो छोटे polynomial को zero के equal equate करके जो भी आता है, वो zero के equal ही होगा. Means divide करके zero ही आएगा remainder. तो जब मैं उसकी value put करूँगी, तो वो equal to zero means this is what, this is the remainder. So it means we have to replace x now with minus k and then we have to equate equal to zero. Minus k cube प्लस के इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस टू इंटू के प्लस के प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो. माइनस के क्यूब, देखो बेटा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, के का स्क्वायर के स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर, ये क्या बनेगा? के क्यूब माइनस टू के प्लस के प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. ये कट गया माइनस के. माइनस टू के, ओके सॉरी, यहां पर k की वैल्यू क्या है? माइनस k. तो माइनस टू इंटू माइनस के इज 2k. So it is 3k plus 5 is equal to 0. 3k is minus 5, k is minus 5 by 3. तो ध्यान से करना है जैसे मैंने अभी किया. पहले माइनस के पुट किया, जल्दी जल्दी में माइनस के की जगह k की वैल्यू पुट की. अब वो तो मुझे पता था दैट आंसर इज माइनस 5 by 3. So I came to know that where is my mistake. But in the exam, आपको थोड़ी पता आंसर क्या है, तो आप तो इसी तरह से करोगे जो माइनस टू के लेकर माइनस टू के प्लस फाइव जो भी था, प्लस के प्लस फाइव जो भी मैं कर रही थी, तो गलती हो जाती, वहीं से एक नंबर कट जाता. जबकि आपको सारा मेथड आता है, सब कुछ आता है. सो व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम हियर दैट वी हैव टू डू द सम्स विद वेरी मच केयरफुलनेस. केयरफुली करना है, फोकस के साथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. चलो अब एक डिवाइड का क्वेश्चन करो खुद. थ्री बाय पावर 4 माइनस 8 वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई माइनस 4. लॉन्ग डिवीजन करेंगे बेटा, खुद करोगे आप. डिवाइड इट विद y माइनस 3. यस, ध्यान से करना है. टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन. एक मिनट, थ्री वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन. रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर? Yes, प्रणय बता देगा. चलो आंसर टैली भी हो जाएगा. माइनस टू.
Yes, the remainder is minus 2. Arzu, is the remainder minus 2 yours? Yes, ma'am. Minus 2. ठीक है बेटा. So remainder is minus 2. Let us see. Now quickly I will do 3 by 4 है तो किससे multiply करेंगे? 3 by cube के साथ. 3 by raised to power 4. Minus 3 into 3 by cube is minus 9 by cube. Sign change. ये कैंसिल हो गया. माइनस 8y क्यूब प्लस 9y क्यूब इज 1y क्यूब दैट इज ओनली y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5. अब y है, y क्यूब चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के साथ. किससे करेंगे? y स्क्वायर के साथ. तो y इंटू y स्क्वायर इज y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर. साइन चेंज. माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव माइनस फाइव बाय माइनस फाइव. अब वाई है, टू वाई स्क्वायर चाहिए सो मल्टीप्लाई विद प्लस टू वाई. टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई. साइन चेंज. माइनस फाइव वाई प्लस 6y माइनस 5y प्लस 6y इज y माइनस 5. हमारे पास क्या है? y माइनस 3. y है, y चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 1 से. y इंटू y इज 1 इज y एंड माइनस 3 इंटू 1. माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3. साइन चेंज. माइनस प्लस ये कट गया. माइनस फाइव प्लस थ्री द रिमाइंडर इज माइनस टू. ओके एंड द क्वेश्चन इज दिस. सो बेटा मैनी क्वेश्चन टाइप वी हैव डिस्कस फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल्स. वन टू डे मोर वी विल डिस्कस एज इट इज अ बिग चैप्टर. तो वन डे और मोस्ट प्रोबेबली टू डेज मोर आई विल टेक द पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो एंड. चाहे पूरा वन मंथ हम पॉलिनोमियल्स करते जाएं, उसका कोई एंड नहीं है. जितने मर्जी क्वेश्चन, जितने मर्जी बुक्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस इन डिफरेंट बुक्स. ठीक है, बट यू हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर टाइप व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, उसको ही फॉलो करना है. बहुत मुश्किल मुश्किल टिपिकल वाले क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा बाद में, पहले से ये सब करने के बाद अगर टाइम बचता है सिलेबस सारा करने के बाद फिर वो करने हैं. ठीक है, राइट. सो Anyone wants to ask anything? ठीक है बेटा. So tomorrow again we will discuss few questions from this chapter, right? Now see you tomorrow. Take care.